रेवाड़ी में गौतस्करों का कहर लगातार जारी है। इसी कड़ी में गौतस्करों ने नाका लगाकर खड़े एक पुलिसकर्मी पर गायों से भरी पिकअप चढ़ा दी और मौके से फरार हो गए। इसके बाद घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस ने गौतस्करों का पीछा किया और धारुवेड़ा के पास एक गौतस्कर को पिकअप सहित काबू कर लिया। साथ ही पिकअप में लदी हुई 6 गायों को मुक्त कराकर गौशाला भिजवा दिया। पुलिस की माने तो फिलहाल पकड़े गए आरोपी युवक से पूछताछ की जा रही है। रात को हमारी SHO मोबाइल और PCR नाइट पेट्रोलिंग पे थे तो उन्होंने देखा कि एक पिकअप है, उसमें कुछ नौजवान जो अंडरग्राउंड से गाय उठा रहे थे। तो उसके बाद में नज़दीक गई तो उन्होंने फायरिंग करते हुए इनके ऊपर और वो अपनी गाड़ी को दौड़ाने लगे। इन्होंने आगे जो PCR थी उसको नाकाबंदी के लिए कहा। उन्होंने गोगोड़ गांव के पास नाकाबंदी की तो इन्होंने पिकअप में जो सवार थे उन्होंने हमारे जो मुलाजम नाका लगा रहे थे उनको जान से मारने की नीयत से उनके ऊपर जो है गाड़ी चढ़ाई, जिसमें एक SPO राजेश कुमार को काफ़ी हाथ पैरों में और सिर पे चोट लगी है, जिसको इलाज के लिए हमने पुष्पांजलि हाँ इसमें फिर हमारे मुलाजमों ने भी फायर किया है, जवाब दिया।